मेरे आपके और माशरे के डिलीवरी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। वर्किंग वुमेंस जब घर से निकलती हैं अपने कामों के लिए तो उनको किन मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी एक छोटी सी कोशिश टीम मैं हूँ कौन ने की है। इन तमाम हकाइक को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। ये एक नाकाबले तरदीद हकीकत है कि किसी भी मुल्क या माशरे की तामीर और तरक्की में खवातीन का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से अरबाब इख्तियार की जानिब से यही कहा और सुना जाता है कि मौजूदा सदी में पाकिस्तानी खवातीन को दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह मुल्क और माशरे की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना अपना भरपूर किरदार अदा करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार के अरबाब इख्तियार के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज टीम मैं हूं कौन अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी ख्वातीन से मुतालिक एक ऐसे अहम मसले की निशानदही करने जा रही है जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली और आम सा नज़र आता है लेकिन हकीकत में ये हमारे माशरे और इसमें रहने वाले इंसानों की इखलाकी पस्ती और खुदगर्जी का मुँह बोलता सबूत है। टीम मैं हूं कौन को गुज़िश्ता कई माह से घरों से बाहर जाकर काम करने वाली ख़वातीन और लड़कियों की जानिब से राबता करके ये कहा जा रहा था कि टीम मैं हूं कौन मुआशरे में मौजूद दीगर जराइम और बुराइयों को सामने लाने के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने की नीयत से काम करने के लिए बाहर जाने वाली लड़कियों और ख़वातीन के साथ मुआशरे में रहने वाले मर्दों की जानिब से रवा रखे जाने वाले मनफी और गैर अखलाकी रवैये की निशान नहीं भी करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साबिर और ये अदनान साबिर को और अदनान को हम जो है हमने अबा बनाया है और हम आपको दिखाएंगे कि हम में खिदमत खल्क का जज्बा तो है लेकिन किसी और तरीके से। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जब रोड पे खड़े होंगे तो कितने लोग रुकेंगे जो इनकी हेल्प करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिर हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और नफ्सियात दिखाएंगे इंसान की नफ्सियात के नफ्सियात कैसी है और खिदमत का जज्बा कैसा है, अगर खिदमत करनी है तो किस तरह की करनी है ये भी देखना होगा। तो एक वक्त में हम कोशिश है कि हम एक को उतारें कि या तो साबिर उतरें या अन्नान, उसके बाद या दोनों को हम उतार दें। तो हम आपको दिखाएंगे कि लोग रुकते हैं और इनसे बातें क्या करते हैं, बात करते भी हैं नहीं करते और रुकते हैं भी हैं या नहीं रुकते, ये हम आपको दिखाएंगे। तो खिदमत करना अच्छी बात है लेकिन सिर्फ ख्वातीन के लिए। साबिर और अन्नान, अच्छा इनके ग्लासेस कहाँ हैं? साबिर ग्लासेस कहाँ हैं? साबिर और अदनान, अब देखना था कि ये देखने में ख़वातीन मुश्किल हो रही है देखने में ये ख़वातीन जो है वो लग रही है या नहीं लग रही है? यहाँ गलत चला गया। अच्छा जामेगा ओके, लग रही है नहीं लग रही? ये देख के अंदाज़ा अब करना है कि रोड पे इनको देख के अंदाज़ा हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि देखने में तो ये दोनों ख़वातीन लग रही हैं और अच्छी सेहतमंद ख़वातीन। तो देखते हैं और लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि होता क्या है रोड पे खड़े होकर जब दो ख़वातीन या एक खातून अकेली खड़ी होती हैं तो होता क्या है, इंसान की जो साइकी है वो क्या कहती है और क्या करती है, हम आपको दिखाते हैं आइए। टीम मैं हूं कौन के मेंबरान तयशुदा प्लान के मुताबिक शहर की एक मसरूफ़ शाहराह पर खड़े हो गए ताकि मुख्तलिफ औकात में सड़क के किनारे पर खड़ी अकेली ख़वातीन को देखकर हमदर्दी और खिदमत खल्क का बहाना बनाकर इखलाकी पस्ती के शिकार मर्दों की जानिब से की जाने वाली गैर इखलाकी और काबिल एतराज़ हरकात को कैमरे की आँख में महफूज किया जा सके। टीम मैं हूं कौन के बुरका पोश मेंबर के सड़क किनारे पर खड़े होने के कुछ देर बाद ही
दिन के उजाले में ट्रैफिक की रवानी के दौरान ही मुख्तलिफ मर्दों ने इशारे करना शुरू कर दिए। कुछ ने अपनी मोटरसाइकिलें रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स ने तो सारी हदें ही पार कर ली। आप बोलेंगे वहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे लेके? जो आपके हो जाएगा ना, इधर मेरी पीछे कर लेंगे, चलो। हाँ घुमा लेंगे इसे। नहीं ना, चलने तो सही, घुमाए तो मैं लेके चलेंगे। ये पीछे ही मेरा घर, कहाँ पर है आपकी जगह? कितने दिन लेके चलेंगे? पैसे कितने देंगे आप बताएं? अरे कैसे ही लगेगा आपको? अबे नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा है। सेक्टर 10 चले ना, हमें लिफ्ट मांग रहा था मेरे को, मुझे आगे छोड़। तू लेके भी जा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? मैं कहीं नहीं बोला, लिफ्ट दे दो आगे। बाबा क्यों लेके जा रहे थे? अरे कुछ नहीं ले यार, वो आगे लिफ्ट मांग रहा है यार। अरे आप तो बोले थे मैं सेक्टर 10 ले बोला था अपनी जगह पे, क्या हुआ? आपने वहां पीछे नहीं खड़े होते? नहीं भाई, सेक्टर 10 में चल रहा हूं ना। बताओ तो क्यों नहीं जा रहे? लिफ्ट मांग दो और हमारे को ब्लैकमेल कर रहा हूं। ब्लैकमेल कौन कर रहा आपको? टीम मैं हूं कौन के अचानक सामने आने पर चंद लम्हे कबल तक बाजारी अंदाज में निहायत ढिटाई के साथ काबिल एतराज बातें करने वाले घटिया शख्स का अंदाज मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया और सड़क के किनारे औरत को देखकर रुकने की वजह इखलाकी हमदर्दी बताया। ये नफ्सियात है इंसान की कि खातून अलग और अकेले खड़ी हों तो वो एक बेहतरीन शिकार हो सकती हैं। और जैसा कि इन्होंने बिठा भी लिया, अदनान बोले नहीं, इन्होंने बोला नहीं, खामोशी से बैठ गए और काफ़ी दूर तक हमने आपको दिखाया भी, काफ़ी दूर तक चल रहे थे और रिकॉर्ड हो रहा होगा। मुझे मैंने सुना नहीं है कि अदनान ने बोला क्या है। अदनान क्या बोला है? मैंने मेहता भाई यही बोला है कि कहाँ लेके, उनने पूछा कहाँ लेके जाऊँ आपको, आप हो कौन? हाँ मतलब जो आप चाह रहे हो मैं वही हूँ। तो ये अभी हम मजीद आपको दिखाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें निकलेंगी और बड़ा मज़ा आने वाला, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि साइकी क्या है, नफ्सियात क्या है इंसान की, कि एक अकेली लड़की किस तरह रोड पे और कितनी मुश्किलात से अगर वो जॉब के लिए निकलती है या दीगर अपने काम करने के लिए अगर वो बाहर निकल रही है तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये दिखाएंगे हम आपको। चलें, गाड़ी पे बिठा दूंगा ना वापसी पे, आ जाना वापस, चल बैठ जा। क्या कहा, क्या जाना है? मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने आगे जाना है। अच्छा करना आगे, चल फिर सही कल परसों।
मेरे पास तो ठिकाना नहीं है, मेरे पास ठिकाना नहीं है। अब तो घूंगा थोड़ी है, वो मुँह से बात करके बात कर, मेरे पास जगह नहीं है, तो अपनी बात कर, क्या बात है मसला है। मेरे पास ये जगह चला, मैं जगह नहीं जा रहा ना। कुछ देर बाद टीम मैं हूं कौन के बुर्कापोश मेंबर को औरत समझकर स्कूटर पर सवार एक और बदफितर शख्स ने साथ चलने का कहा, जिस पर तयशुदा प्लान के मुताबिक टीम मैं हूं कौन का बुर्कापोश मेंबर उसके साथ स्कूटर पर पीछे बैठ गया। दौरान सफर उस बद अखलाक शख्स ने क्या क्या बातें की आप भी सुनिए। अरे कुछ नहीं हो रहा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, आ जाए अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ कहाँ तो आए ना, फिर इधर से आ जाए, आ जाए यहीं खड़ी कर दें गाड़ी। अरे तोड़ना पड़ेगा ताला, हाँ ना कौन से टीम में हूँ कौन के मेंबर को औरत समझकर रास्ते में मुसलसल गैर अखलाकी बातें करने वाला शख्स भी टीम में हूँ कौन को अपने सामने देखकर हवास बाख्ता हो गया और ये तासुर देने की कोशिश की कि उसको पहले ही अंदाजा हो गया था कि बुरके के अंदर कोई मर्द है। आपको क्या परेशानी है कि अगर ये अकेली खड़ी नहीं हमने अदनान को फिर एक जगह खड़ा किया हुआ है और ये थोड़ा सा सुनसान इलाका है,
सुनसान सड़क है, लेकिन ट्रैफिक है थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अदनान को फिर एक बार जो है मुख्तलिफ जो हैं लोग जो हैं तो वो लिफ्ट देने की कोशिश करेंगे, और अदनान क्या करते हैं ये भी आप देखेंगे। और अब जो है ये काफ़ी देर हो गई है अदनान को यहाँ खड़े हुए, अभी तक तो कोई रुका नहीं, और अगर रुकेगा तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि ये होता क्या है कि वर्किंग वूमेंस को किस तरह की परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये एक रक्षा आया है, और ये टीम में हूँ कौन ने कुछ वक्फे के बाद उस मसरूफ शाहराह से कदरे दूर एक सुनसान सड़क पर अपने बुरकापोश मेंबर को खड़ा करके इस वीरान सी सड़क से गुजरने वाले दो नंबरी इखलाकी हमदर्दों की हकीकत जानने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में वहां से रक्षे में जाने वाले एक घटिया और अय्याश शख्स ने टीम में हूँ कौन के बुरकापोश मेंबर को औरत समझकर अपने साथ ले जाने के लिए जो कुछ किया और कहा वो देखने से ताल्लुक रखता है। शर्माना तो क्या शर्माना, ऐसी वीरानी जगह पर खड़ी हुई हैं आप, आ जाए अंदर एक मिनट बैठे तो आगे उतर जाना, अगर समझ नहीं आए तो आप आगे उतर जाना, बात नहीं बने तो आगे आप उतर जाना, भी आए बैठे हैं दो मिनट के लिए मेरे साथ बैठे हैं। पहले दो अय्याश फितरत अफराद के भाग जाने पर टीम में हूँ कौन ने निहायत ढिटाई से अपने बुरकापोश मेंबर को साथ चलने की ऑफर देने वाले इखलाकियात से आरी इस शख्स को चारों तरफ से ऐसे घेरा कि वो चाहने के बावजूद भी फरार ना हो सका। जब टीम में हूँ कौन ने अपने बुरकापोश मेंबर को औरत समझकर हर हाल में अपने साथ ले जाने के ख्वाहिशमंद शख्स से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने कहा ये लड़का है, उतारो बाल निकल, ये लड़का है। चाँ चाँ। तो ये आप इस तरह कितने लोगों को लिफ्ट देते हैं रोज रक्षों में? नहीं मैंने तो नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं बाहर निकालो इसको नहीं बाहर निकाल बाहर निकालो मारना नहीं मारना नहीं। अच्छा ये आप लोग आप जो हैं कितने लोगों को लिफ्ट देते हैं? मैंने अभी तक तो किसी को नहीं दी, बस नहीं दे रहा था, खदमत खर्च कर रहे थे। ये अकेले रोड पे खड़ी हुई थी, कोई इन्हें पकड़ के ले जाता कुछ कर देता है इनके साथ। क्या परेशानी थी इनको अगर ये अकेले खड़ी हुई? तो मैंने लिफ्ट देके कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था मैं इनके साथ, वेट कर रही हूं या कोई इनको कन्विंस इनके लिए हो। आप गलत काम नहीं कर रहे थे, मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के हैं अपने अपने लिए कोई कन्विंस इनकी हो तो वो कन्विंस का इंतजार कर रही हूं या किसी और उसमें खड़ी हूं। आपको क्या परेशानी थी जो उनको वो लिफ्ट दे रहे थे? ये अकेले रोड पे खड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं भी आगे जा रहा हूँ। आपने क्यों सोचा? आपने क्यों सोचा ऐसा? मैं भी आगे जा रहा हूँ, मैं आगे तक छोड़ रहा हूँ, गलत तो बात भी नहीं करी है मैंने इनसे। अभी आप पैसों का पूछ लेते मुझसे, टीवी पे चलेगा, लोग आपकी शक्ल देखेंगे, कितना मजा आएगा भाई। मैं तो सिर्फ इनको लिफ्ट दे रहा था, मैंने तो कोई गलत काम तो नहीं किया इनके साथ, कुछ किया कुछ किया मैंने? शादीशुदा नहीं तो लिफ्ट देना गलत काम है? हाथ पकड़ हाथ पकड़ अभी अभी फकीर में था कि आप इनको रोक के अंदर बिठा रहे थे, क्यों ऐसा? मैं आगे तक छोड़ने के लिए बैठा, हाथ पकड़ के क्यों बिठा रहे थे? वो बैठ नहीं रही थी, मैं समझा माजूर वाजूर है वो। अच्छा आप जंगल में टांग पे खड़ी नहीं, जंगल में माजूर खड़ी होगी। इनकी डिटाई देखें कि ये इतना ज्यादा ढीठ बन के, और ये इनको ये शर्म आया नहीं है। अभी आप टीवी पे देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, घर वाले भाई मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, जो टीवी पे आप चलाएंगे टीवी पे मैं देखूंगा
कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे छेड़ा है। हाथ हाथ पकड़ लेते आप, आपके पास कोई प्रूफ है? मैंने इनके साथ मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, दिखा दूंगा आपको। हां भाई, आप मुझे ये बताएं, ये रोड पे खड़ी हुई थी, मैंने इन्हें सोचा कि आगे तक छोड़ दूं, ये रक्षा भी वहीं जा रहा है आगे। अच्छा। बस इस मारे मैंने रक्षा रोक लिया कि इन्हें आगे जाके छोड़ दूंगा, पर कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? नहीं, आप इनको नहीं, इनको चाय आप बैठे हैं, हम चाय पिला देते हैं, कहां ले जा रहे थे चाय पिलाने? बंदा भूखा प्यासा पता नहीं कितनी देर से खड़ी हुई। आपको क्या परेशानी थी? आपको परेशानी क्या? नहीं, परेशानी तो मुझे कोई भी नहीं थी। हाँ। सही है, मैंने सिर्फ आगे तक छोड़ना चाहता था। नहीं। अच्छा। जाती है भाई, आपकी मर्जी, आप जाए, आपको जहाँ जाना, आप नहीं, मैंने को तो जाना है। अभी मैं आपको पुलिस के हवाले करूँ? क्यों करेंगे पुलिस के हवाले, क्यों करेंगे? ये तो मिस क्या बोलते हैं, तो ये क्यों खड़ी है रोड पे इधर, क्या कर रही है अकेले? इनको आपको क्या तकलीफ है कि अगर खड़ी नहीं? एक मिनट, आपको क्या तकलीफ है कि अगर अकेली खड़ी है? खड़ी है, ये खड़े होने की जगह है। नहीं, आप खड़े होने की जगह। एक मिनट, एक मिनट, आपका जवाब दे आप। एक मिनट, आप आपको क्या परेशानी है कि अगर ये अकेली खड़ी नहीं? भाई, इनको अगर ये खुद भी शरीफ जाती होती तो जाके आप सर्टिफिकेट लेना है। आपकी आपकी अम्मी अम्मी और बहनें बाहर निकलती हैं भाई, इस तरीके अगर कोई लोग साथ हाथ पकड़ के इस तरह उनको रक्षा में बिठाए तो कितना अच्छा लगेगा? इस तरीके के लोग आगे जाके देखें, 36 खड़े होते हैं। अच्छा, 36 औरतें इस तरीके की खड़ी, खवातीन तो नहीं, ये तो जेंट्स, ये तो आपने बनाया हुआ था ना? जी बिल्कुल बनाया हुआ। रोड पे निकले जरा, आपको खुद को पता चल जाएगा। ये शर्मिंदगी नहीं है, ये ढिठाई है, ये शर्मिंदगी नहीं है, ढिठाई है। इस सारी बहस में सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि सुनसान रास्ते पर एक अकेली औरत को देखकर उसके साथ नहायत गैर अखलाकी बातें और हरकत करने के बावजूद वो शख्स अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि वो नहायत ढिटाई और बेगैरती के साथ अपनी तमाम हरकत का जिम्मेदार भी औरतों को ही ठहरा रहा था। इनको जो है वो पुलिस के हवाले करें। पता नहीं कैसे करेंगे पुलिस के हवाले, क्योंकि ये पुलिस केस है नहीं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि वर्किंग वुमेन्स को कितनी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी ढिटाई में, और इनको ये शर्म नहीं है, ये हया नहीं है कि ये जो है हाथ पकड़ के बिठा रहे थे और ये कह रहे हैं कि ये मैरिड नहीं है, लेकिन माँ बहनें मौजूद हैं और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं। इनकी भी माँ बहनें बाहर निकलती होंगी और यकीनन वो इसी तरह बसों का और टैक्सी का और इस तरह के दीगर ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजार नहीं करता, ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हैं। ये उसका काम होता है, ये बदतमीज है, बदतमीजी की क्या, ये बदतमीज है, बस और कुछ भी नहीं है। दिल में थोड़ा सा रहम है इसलिए रोड रहम है। कहाँ लेके जा रहे थे? पार्क पार्क लेके जा रहे थे, ये मुझे पार्क लेके जा रहे थे। इस इंतहाई बेहिस और अखलाकियात से आरी शख्स से बहस करने के बाद टीम में हुकौन उस इलाके से दूर दूसरी जानिब एक छोटी सड़क पर पहुंच गई। हम इस वक्त मौजूद हैं एक रोड पे, और जैसे कि आपने अदनान को और हमारे टीम मेंबर साबिर को देखा कि मुख्तलिफ रोडों पे हम लोग खड़े हुए इसी तरह हबा पहन के, तो किस तरह लोग जो हैं रुके और लिफ्ट देने की कोशिश की, तो ये हमारी नफ्सियात जो है वो दिन ब दिन जो है वो अजीब से अजीब तर होती जा रही है। और वर्किंग वुमेन्स जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे घरों से निकलना होता है और दीगर अमूर जो हैं वो अंजाम देने होते हैं घर से निकलती हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का जो है बाइस बनते हैं और मुश्किलात उठाती हैं। इसी तरह की एक परेशानी को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर ऐसी खातून जो हैं वो खड़ी हों, किसी के गाड़ी का इंतज़ार कर रही हों या दीगर उनके कोई अपने प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें आप रुक के उनसे कुछ ऐसी वाहियात और फजूल बातें करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमने आपको मुख्तलिफ तरीके दिखाए और अभी भी मुझे यकीन है कि यहाँ पर रुकेगा, और इससे पहले भी हम मुख्तलिफ एपिसोड में मैंने इस तरह का गेटअप किया है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो बाइकें भी रुकी, गाड़ियाँ भी रुकी, वो भी मैं चाहूँगा कि मैं आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरह हुआ। तो बाइकें तो अभी भी मुझे देख रही हैं और बाइक वाले भी मुझे देख रहे हैं, गाड़ियाँ भी जो हैं वो एक दूसरे से गुज़र रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है।
माइक जो है एक मैंने लगाया हुआ है, एक मैंने साइड में रखा हुआ है कि अगर कोई रुका तो थोड़ी सी बात करने के बाद मैं उससे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये रुकते क्यों हैं और क्या वजह होती है इनके रुकने की, कोई ख़ास वजह है कि एक अकेली खातून को देख के और रास्ते में इस तरह जो है रुक के लिफ्ट दी जाए, क्या वजह होती है, तो ये ज़रूर पूछूँगा मैं। काफ़ी देर हो गई है और मैं जो हूँ वो अकेला खड़ा हूँ, अभी बाइक वाला मुझे देख तो रहा है। अब कैसे खड़ी हैं आप अकेले हैं, कहीं जाना आप छोड़ रहे तो हमारे यहाँ अच्छी बात नहीं है, रोड है अकेले खड़ी हूँ बढ़िया है, कैसे करती क्या है करती क्या कुछ तो बोलो आ जाए छोड़ देता हूँ आपको, कहाँ जाना जैसे अकेले रोड पे खड़ी हैं अच्छी बात नहीं, काम हम क्या करती हैं क्या काम करती हैं आप आ जाए बैठ गए चलो छोड़ देता हूँ आपको, कहाँ जाएंगे काम क्या करती हैं चले आ जाए बैठ, अच्छी बात नहीं रोड पे खड़ा होना ऐसे अकेले ठीक है ना, बाकी और लोग भी देखें तो नहीं आप मेरे साथ चलें ठीक है, चलते हैं बारह बारह चलते हैं कहीं फिर आपको घर छोड़ दूँगा ड्रॉप कर दूँगा ठीक है, आ जाए मैं कहीं शर्माएगी कोई डरने की बात नहीं है, अपने ही समझे नहीं है कोई ऐसा मत नहीं है ठीक है, बोल लोग भी आ रहे हैं मेरे अच्छी बात नहीं है, आप अकेली खड़ी हैं ऐसे रोड पे अच्छा नहीं लग रहा, बैठे हैं आप बाइक पर बैठे मेरे से अच्छी बात नहीं है बैठे बाइक से, क्योंकि और लोग भी देखेंगे चेक करेंगे आप गलत नज़र भी देखेंगे, बैठेंगे कहीं अच्छी जगह बैठ कर सकून से बात करेंगे ठीक है, बैठे क्यों अरे मेरे से क्यों डर रही हैं आप, मैं खा थोड़ी जाऊँगा आपसे बैठे तो अच्छे नहीं लग रहा है, इसे रोड पर खड़ी हूँ कहीं चलते पारक वारक बैठ कर बात करते हैं, परेशानी नहीं करता काम क्या करती हूँ काम क्या करती हूँ कुछ भी नहीं, चले बैठे फिर आपको घर छोड़ देते अगर आपको इतना लग रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है आप अकेले खड़ी रोड पर और दस लोग आ रहे जा रहे हैं अच्छी बात बैठे अरे बैठे ना आप किस चीज़ का डर, डर किधर है आपका, चले ना आप डर रही हैं देखें आप ऐसे नहीं करें, ऐसे और लोग भी आ रहे हैं अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ कि बाइक पर आ जाए आप चलते हैं ठीक है ना, आपको घर बोल बात सुनने में चले आप चले चले ना मेरे दोस्त क्या हाल है क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, हाँ अब मेरी आवाज़ भी निकलेगी और मैं आपसे ये भी पूछूंगा ये क्या कर रहा हूँ मुझे मार रहा यार है? ये कहाँ लेके जा रहे हैं एक मिनट कहाँ लेके जा रहे थे, कहीं भी लेके जा रहा था आपको घर छोड़ रहा था क्या मुझे घर छोड़ रहे थे, मुझे पता है मैं कौन हूँ पता है मुझे मेरा पता मैं कौन हूँ, शर्म नहीं है टीम मैं हूँ कौन के अंदाजे के मुताबिक चंद ही लम्हों में शक्ल से पढ़ा लिखा नजर आने वाला स्कूटर सवार एक नौजवान फिल्मी आशिकों के अंदाज में टीम मैं हूँ कौन के बुरकापोश मेंबर के सामने आकर खड़ा हो गया और काफी देर तक अपने साथ ले जाने की कोशिशें करने वाले इस नौजवान ने जब अचानक टीम मैं हूँ कौन को कैमरे के साथ अपने सामने देखा तो वो बुरी तरह गड़बड़ा गया और कहने लगा इतनी शर्म आया तो होनी चाहिए क्यों रुकते हैं, तो लेडीज समझ के आपको रोकने का अच्छा नहीं लगा क्यों रुकते हैं रुकते क्यों है अच्छा नहीं लग रहा था क्यों निकल क्यों रुकते हो यहाँ पे खातून को क्यों एक मिनट ये हेलमेट उतारो अक्सर देखा है मैं भाई मैंने इस बंदे को अक्सर देखा एक मिनट क्यों क्यों रुकते क्यों है बहुत ऐसे ही खड़ा हुआ था ऐसी लेडीज को देखा तो रोक ली मैंने सबको सबके लिए रुकते हो या किसी किसी के लिए स्पेशल है दिल में थोड़ा सा रहम है इसलिए रहम है कहाँ लेके जा रहे थे पार्क रहम है पार्क लेके जा रहे थे ये मुझे पार्क लेके जा रहे थे
कहाँ लेके जा रहे थे, कौन से पार्क? आपको गलत बात हो गई, कोल्ड ड्रिंक ऐसे आप तो बोल रहे, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे आप? ऐसे अकेली खड़ी हुई थी मैं। अच्छा, ये रोज लेके जाते हो? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, आप अकेली खड़ी हुई थी रोड पर, रात का टाइम होने वाला है इसलिए मैंने होनी चाहिए ना रोड पे, किसी को भी ऐसी खड़ोगे तुम लिफ्ट दे दोगे? अरे नहीं नहीं, लिफ्ट नहीं दे रहा था मैं, तो आपकी हेल्प कर रहा था उल्टा। हेल्प कर रहे थे? पार्क, पार्क कौन से लेके जा रहे थे? पार्क तो ऐसे ही निकल गया, कभी कभी ऐसे निकल गया था मुझसे। आपको अच्छा नहीं लग रहा था रोड पर खड़ी हुई थी इसलिए? अकेले खातून को देख के ये खिदमत खल्क का जज्बा क्यों जागता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मैं घर ही छोड़ रहा था और कोई मसला क्यों जागता है, तो वजह तो बताओ। ऐसी कोई खिदमत का? अभी शक्ल देखेंगे घर वाले तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, शक्ल नहीं देखेंगे, हेल्प कर रहा था मैं तो आपके, मेरे को क्या पता था आप मिली। यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े भी तो बैठे हैं, वो एक बैठा हुआ, उसकी तो हेल्प नहीं की, वो भी अकेला बैठा हुआ है, वो आगे एक बैठे हैं, ये गाड़ी और बाइक वाले खड़े हैं, वो बंदा जा रहा है, उसकी तो हेल्प नहीं की, मेरी क्यों की? लड़की बन के खड़ा हुआ था इसलिए। नहीं नहीं, लड़की देख के हेल्प खड़ी हुई थी अकेली रोड पे, अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की देख के हेल्प हो जाती है, लड़की देख के हेल्प हो जाती है, लड़का देख के हेल्प नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खिदमत रोड के ऊपर अभी बुजुर्ग आपको हाथ देगा तो आप रोक लोगे? नहीं खिदमत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, खातून को देख के क्यों खिदमत का जज्बा जागता है? मजा कोई स्पेशल अच्छा नहीं लगता ना, लेडीज है रात अकेली होने वाली है और लेडीज अकेली खड़ी हुई, अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि खिदमत का जज्बा सिर्फ खवातीन को देख, खवातीन को देख के जागता है खिदमत का जज्बा। खवातीन की बात नहीं है ऐसी, आप रोड पे अकेली खड़ी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, इसी ऐसा मैंने कहा आज घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रोजाना कितनी खवातीन को लिफ्ट देते हैं? नहीं रोजाना, आपको अभी देखा तो गाड़ी 9 बजे से निकलते हो घर से, बस ऐसे ही हो गया, हेल्प कर रहा था मैं आपके, और कोई ऐसा मसला? तो आइंदा 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 भी मसला टीवी पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे। रुक तो जाए, कहाँ जा रहे हैं? मैं चलता हूँ ना, एक मिनट रुक जाए, मैं पार्क चल रहा हूँ, मैं पार्क चल रहा हूँ ना आपके साथ, मैं पार्क चल रहा हूँ ना। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि किसी भी खातून को इस तरह लिफ्ट की ऑफ़र ना करें, क्योंकि इसमें आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, शरीक हयात भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये समझने की ज़रूरत है। पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, बताने और सिर्फ समझाने का मकसद हमारा यही है कि अपनी इसलाह खुद करें और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ें नामुनासिब हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।